सो हे गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज पॉपी डी बैक विद अनदर व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, होप सभी आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, और मेरा थंबनेल और टाइटल देख के आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो किस टॉपिक पे होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो प्लीज़ मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो ये आज का व्लॉग है अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी होता है तो आप विदाउट स्किप करके पूरा देखिए। ये मेरे साथ में हुआ एक्सपीरियंस है, और अभी जो पेंडेमिक चालू है उससे अपने को गुजरना है गाइज, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपनी इंडिया की सिचुएशन अभी है वो वेव टू में चली गई है, आपको सबको पता है। 3.5 से 4.25 लाख रोज़ पेशेंट है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी हो गया तो लोगों को टैंकर्स नहीं मिल रहे, बेड्स कम मिल रहे, और उसके साथ साथ लोग ऑक्सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा मर भी रहे। ये बोलने को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ गाइज, मेरे साथ में जो हुआ। मैंने जैसा अभी थंबनेल में डाला कि 2 दिन में मैं कोविड से कैसे क्योर कर चुका हूँ, और आप भी कैसे हो सकते हो। तो गाइज एक्चुअली हुआ क्या है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से मेरा काम घर से शुरू हुआ है। मैंने बहुत सारा नेट पैक डाल दिया है, और मैं जब काम नहीं रहता है तो मैं यूट्यूब वगैरह देखता हूँ। तो यूट्यूब में 2-3 दिन से मैंने क्या किया, 2-3 दिन पहले, कि मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल देख लिए और सबसे दिन भर न्यूज़ चैनल देखते रहा, और जो वो दिखा रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो दिखा रहे ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, वो जेन्यून है गाइज, वो गलत नहीं दिखा रहे, वो सरकार को अवेयर करने के लिए दिखा रहे कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाए और जो लोग का जो मरना है वो कम हो जाए और सब पीसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाए। बट गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने वो पूरा देखा उसके बाद में मुझे खुद लगा, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जो मुझे अच्छे से जानते उनको पता होगा। तो गाइज मैंने क्या किया उसमें, तो वो बंद करके मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेंशन ले लिया कि यार ये पेंडेमिक कैसे आ गया, सब लोग मर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, अगर अपन ने 1 मिनट के लिए सांस रोक दी तो अपने को कितनी तकलीफ़ होती है, तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कितनी तकलीफ़ होके वो मर रहे होंगे, तो इसके लिए अपन क्या करें, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने लगा। तो उससे क्या हुआ गाइज, मैं कुछ कर तो नहीं पाया, बट उल्टा क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोविड हो चुका है। तो वो कैसे, बहुत दिन से मैं ठंडा पानी पीते आ रहा हूँ, उसके बाद में जैसे वो देखा तो मैंने गर्म पानी एकदम से स्टार्ट कर दिया, तो मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आने की वजह से मेरा कफ वो बाहर निकलने लगा, तो मुझे कफ हो गया, कफ एक्सट्रीम कफ की वजह से मेरे को हेडेक हो गया, हेडेक। तो ये सब सिम्टम्स मैं कोविड को रिलेट करते गया। तो गाइज उसके बाद में क्या हुआ कि एक रात को मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, तो ज़्यादा कफ हो गया, उसके वजह से मैं सांस लेने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मेरी सांस जो है फूल रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं 4 बार बालकनी में जाके आता था कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। खाली गाइज मेंटेलिटी जो थी मेरी वो पूरी की पूरी उस पर चली गई थी, और मैं उसको पूरा रिलेट कर रहा था कोविड के साथ में। और फिर मैंने डिसाइड किया गाइज कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी मुझे टेस्ट करवानी चाहिए। तो गाइज मैं जल्द से जल्द डॉक्टर के पास में गया, टेस्ट करवाई, और उसका रिपोर्ट आता है निगेटिव। डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, आपको जितने भी सिम्टम्स है उसकी दवाई आप यहाँ पे आइसोलेट होके भी कर सकते हैं और घर पे जाके भी कर सकते हैं, आपको माइल्ड सिम्टम्स है, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इसके वजह से हो रहा है। तो गाइज मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे रिलेट किया, कुछ भी होता है, देखो अभी जैसा पेंडेमिक शुरू है कोविड का, हर जगह कोविड 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 दिखा रहा है, तो अपने को सर्दी खांसी जुकाम और जो कोविड के सिम्टम्स है पहले भी आते थे, बट अपन किसी के साथ में वो मतलब कोविड के साथ में अपन रिलेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोग नहीं मर रहे थे कोविड के साथ में, रिलेट नहीं कर रहे थे, तो अपन उस पर होम रेमेडीज लेके क्योर कर रहे थे, सादी पैरासीटामोल लेके अपना जो बुखार है वो कम करते थे, कफ सिरप लेके। तो गाइज एक्चुअल में अभी फिलहाल की कंडीशन में वही हो रहा है, अभी तक पर्टिकुलर वैक्सीन तैयार हो चुकी नहीं है, जो भी अपने को अभी वैक्सीन लग रही है वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए मिल रही है। तो गाइज मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने 2 दिन में, उसके बाद में मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया, दिमाग से थॉट पूरा निकाल दिया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद में मैंने एक अच्छी नॉर्मल प्रॉपर नींद ली, उसके बाद से मेरे को इतना फिट लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब पूरा जो खेल है वो पूरा मेंटेलिटी का है गाइज, मेरे को ऐसा लगता है। अगर मेरे जैसा अगर किसी को हो रहा होगा तो ऑब्वियस है ये वीडियो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। उसके बाद में आपको गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसा ऑक्सीजन के सप्लाई की वजह से लोग मर रहे, तो गाइज कोविड में ऑक्सीजन की जो SpO2 लेवल है जैसे 95 टू 100 नॉर्मल रहती है, तो 95 से कम होती है। तो गाइज ये WHO ने भी बताया है इसमें कि अगर अपन एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं तो अपनी जो सांस है
वो बहुत ज़्यादा सॉलो हो जाती है, उसके वजह से अपना SpO2 लेवल है वो कम हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो गाइज ये जो है ये क्लिनिकली प्रूव है कि अगर एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं तो भी अपना SpO2 लेवल जो है वो कम हो जाता है, नॉट नेसेसरी कि उसको कोविड है या नहीं है। तो गाइज उसके वजह से भी क्या हो रहा है कि जिन लोगों को जेन्युइन नीड है ऑक्सीजन की, वो पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, जेन्युइन नीड है वो बेड के लिए मर रहे बाहर। तो ऊपर जो ये आई बटन है, यहाँ पे मैंने एक साल पहले का जो वीडियो था जहाँ जब मैं कोविड टेस्ट करने के लिए गया था, तभी मेरी निगेटिव टेस्ट आई थी। तो तब का सिनेरियो कैसा था गाइज, एक साल पहले का हॉस्पिटल में सिनेरियो ऐसा था, ये आई बटन पे मैं लिंक कर रहा हूँ वो वीडियो को, वो देख लेना गाइज इसके बाद में, और उसको रिलेट करके अभी की सिचुएशन आप देख सकते हो गाइज कि कैसी हो सकती है। बी केयरफुल गाइज, बस इतना बोलना चाहता हूँ। तो गाइज ये सब पैनिक सिचुएशन की वजह से गाइज, ज़्यादा सोचने की वजह से होता है। जैसे अपन मान लेते कि अपने को कुछ हुआ नहीं है, तो अपना एक जो विल पावर रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम रहती है, या रोग प्रतिकार शक्ति रहती है, वो बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाती है, तो अपन उस पर मात कर सकते हैं गाइस। अगर अपन ने निगेटिव सोचना शुरू किया तो अपने साथ में निगेटिव होता है। मैं उसके बाद में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर सिम्टम्स है तो आप मेजर सिम्टम्स है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंसल्ट मत करो, टेस्ट मत करो और कुछ नहीं होता, हो भी रहा है, बट उसको रिलेट करके टेंशन लेके उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा मत करो। आप सेल्फ कर सकते हो, सेल्फ आइसोलेशन इज़ द बेस्ट वे। आप घर पे आइसोलेट करके खुद को क्योर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक का जो उपचार वगैरह बताते हैं, जैसा काढ़ा पीना, च्यवनप्राश खाना, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना, सीतोप्लाडी है, गर्म पानी पीना, और बहुत कुछ गाइस चीज़ें हैं, जैसे कि अपन स्टीम लेते हैं, स्टीम बोले तो इनहेलर के लिए, तो वो भी इनहेल किया स्टीम तो वो भी एकदम रेस्पिरेटरी जो अपना ये है वो अच्छा कर देता है। तो ये सब अपन घर पे कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो रहा है, दो तीन दिन में अगर क्योर हो नहीं रहा है और आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उस पर आगे जाइए। तो गाइज मैं आपको आज के वीडियो में यही बताना चाहता था कि जैसे अपन सोचते हैं, जैसे अपन अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ें अपने साथ में होती है। ये बात आप मानते नहीं होंगे गाइज, बट मैं डेफिनेटली इसको 101% सच मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में बहुत ऐसी चीज़ हो चुकी है कि अपन जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वही अपने को ऐसा लगता है कि हो जाएगा। अपन मानेंगे कि अपने को कुछ नहीं हुआ है तो गाइज अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, अपनी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छे तरीके से रहेंगी, अपने को अच्छा फील होगा, और अपने को अच्छा फील होगा तो गाइज डेफिनेटली अपने फैमिली को अच्छा फील होगा, और उसके साथ साथ सब लोग अच्छे रहेंगे। और सबसे मेन है अपनी विल पावर। अगर अपने को जीने की इच्छा है तो गाइज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसा स्विमिंग करना मुझे आता नहीं, मुझे पानी से ज़्यादा डर लगता है, बट गाइज ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले स्विमिंग में, क्योंकि उनकी विल पावर और उनको करने की चाहत इतनी रहती है कि उनको लगता है कि मुझे इसमें ही कुछ करना है, मैं कर सकता हूँ। जैसे कि आप टिकटॉक तो बैन हो चुका है, बट इंस्टाग्राम रील्स में भी देखते होंगे कि जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं, उनको भी लगता है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए करते हैं गाइज, और वो हो भी जाते हैं। तो वही गाइज जो अपन सोचते हैं वही अपने साथ में होता है। तो ज़्यादा पैनिक ना होते हुए, अपने को जो भी सिम्टम्स है उसको कोविड के साथ में डायरेक्टली रिलेट ना करते हुए, अपन जो कर सकते हैं उसको होम रेमेडीज़ के थ्रू उसको क्योर किया जाए। अगर एक्सट्रीम हो रहा है, दो तीन दिन में अगर कवर हो नहीं रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मुझे ऐसा लगता है गाइज कि बाहर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन शुरू है, क्योंकि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है बराबर। तो गाइज वहाँ पे जाके उनको और ज़्यादा पैनिक करने से अच्छा अपन सेल्फ आइसोलेशन इज़ द बेस्ट वे। एंड जब भी बाहर निकलते हैं गाइज तो डबल मास्क पहन के निकलिए, डबल मास्क पहनना जरूरी, अभी तक सिंगल मास्क पहन रहे थे तो थोड़ा डर के मारे डबल मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, हाथ फ्रिक्वेंटली धोते रहिए। और कोविड ऐसा नहीं होता है हवा के थ्रू, एयर के थ्रू कोविड फैलता नहीं है गाइज, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। पॉजिटिव है उस पेशेंट के 1 मीटर के अंदर अपन अगर 15 मिनट्स तक उसके साथ में बात कर ले, तो क्लोज कांटेक्ट के थ्रू अगर अपन जाते हैं उनके तरफ, तो अपने को कोविड होने के चांसेस मैक्सिमम है। कोविड ऐसे ही नहीं होता है गाइस। तो ये सारे जो मिथ्स है, एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन का ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिथ्स है गाइस कि सांस रोक के देखो, सांस रोकने के बाद में अगर आप आधा मिनट सांस रोकेंगे और आपकी सांस रुक जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, तो आपको कुछ नहीं हुआ है, ये सब मिथ्स है गाइस। अपना ख्याल रखो, जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और डबल मास्क पहनो। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ गाइस कि आप सब सेफ रहो, खुश रहो, और अगर आप सेफ रहेंगे तो आप आपके नेशन को भी सेफ रखेंगे गाइस। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेरीज होंगी तो मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, मुझे अभी टाइम बहुत है तो मैं आपके DM का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बाय गाइज, लव यू सो मच।